टेन सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 टर्म टू है इंग्लिश का, लैंग्वेज और लिटरेचर का, जिसका कोड 184 है। यहाँ पर आपको 2 घंटा का टाइम मिलेगा, 40 नंबर का रहेगा। और बच्चों और खासकर स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन का होगा, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर। तो रीडिंग और राइटिंग ग्रामर एक साथ होगा, रीडिंग अलग और राइटिंग ग्रामर एक साथ होगा, फिर लिटरेचर, फिर अटेंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑफ ईच पार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें जो रीडिंग सेक्शन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं रीडिंग सेक्शन में कितना नंबर का आएगा, तो 10 नंबर का आएगा। तो इसको हम लोग रीडिंग सेक्शन को देखते हैं पहले। तो रीडिंग 10 सेक्शन का है, तो यहाँ पर अगर पैसेज को ठीक से पढ़ना जरूरी है और समझना जरूरी है पैसेज को, क्योंकि आपको आंसर जो देना होगा एक अच्छे तरीके से देखना होगा। तो यहाँ पर है कि जो टेक्नोलॉजी है, पहला जो यहाँ पर बता रहा आपको कि टेक्नोलॉजी इज मेकिंग एडवांसमेंट एट अ रेपिड रेट बच एट द कॉस्ट ऑफ द वैल्यू ट्रेडिशन। तो यहाँ पर क्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में इस पैराग्राफ में चर्चा किया गया है कि क्राफ्ट इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है। तो वहाँ पर यह बताया कि जो एक परंपरागत जो क्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, वो मतलब कि अपना जो इम्पोर्टेंस है, जो ट्रेनिंग है, वो खत्म हो रहा है। तो यहाँ ट्रेंड एंड स्किल्ड क्राफ्टमैन जो है, वो बहुत सारा अपना जॉब खो दिया है, वो दूसरा धंधा पकड़ लिया है। तो बीथ डेट द आर्ट ऑफ, यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर कि इनबेलिंग दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है कि इनबेलिशिंग। तो इनबेलिशिंग मतलब होता है चमकाना, जो कि ब्रास का या कॉपर का जो बर्तन होते थे उनको जो चमकाने का काम करते थे या उसमें कुछ कढ़ाई करते थे, डिजाइन करते थे, वो खत्म हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। तो गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाई अराउंड